उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल्याण सिंह को सदस्यता दिलाई। एक कार्यकर्ता के नाते से, समर्पित कार्यकर्ता के नाते से, अनुशासन कार्यकर्ता के नाते से पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का अपना योगदान दूंगा। ये पार्टी सर्वस्पर्शी बन जाए, ये पार्टी सर्वव्यापी बन जाए, ये पार्टी सर्वग्राही बन जाए, ये पार्टी सर्वग्रही बन जाए, उस दिशा में मुझसे जितना भी हो सकेगा अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में इनके द्वारा बताए हुए काम को करते हुए मैं पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल बनाए जाने के बाद कल्याण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी थी, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद है और उस पर बैठने वाला व्यक्ति किसी भी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे में कल्याण सिंह को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। कल्याण सिंह की पहचान पिछड़ों के नेता के रूप में भी होती है। उनके नेतृत्व में हमेशा पिछड़ों को हक दिलाने की बात जोरदारी से कही जाती रही है। कानून व्यवस्था को संभालने का मुद्दा हो, जातिगत वोट का गणित हो या फिर विकास की बात हो, सभी कसौटियों पर कल्याण सिंह से बेहतर कोई नाम शायद ही दूसरा हो। कल्याण सिंह बीजेपी के हिंदू चेहरा के रूप में बड़ी पहचान रखते हैं। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह की भूमिका अहम रही है। यही कारण है कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने विवादित स्थल को ध्वस्त करना शुरू किया तो उन्होंने पूरी घटना की जिम्मेदारी खुद पर ही ले ली थी। बाद में उन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ राम मंदिर निर्माण में बड़ी भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं। एक बार कल्याण सिंह बीजेपी हाईकमान से नाराज हुए थे। इस समय उन्होंने बीजेपी छोड़कर भारतीय क्रांति मोर्चा बनाया था और इसके बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था। एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कल्याण सिंह राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होंगे। पार्टी कार्यकर्ता मानते हैं कि कल्याण की वापसी से पार्टी और मजबूत होगी। कल्याण सिंह के आते ही उत्तर प्रदेश में 13 सीटों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हिंदू चेहरे के रूप में बड़ी पहचान रखने वाले कल्याण सिंह की बीजेपी वापसी क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कल्याण की वापसी को पार्टी की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर कल्याण सिंह की पार्टी में वापसी और यूपी में 13 सीटों में उपचुनाव एक जबरदस्त समीकरण बनाने की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं।